फ्रेंड्स, पटेल कोचिंग में आपका स्वागत है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 6x² - 3 - 7x। इसमें क्या करना है, हम लोग को जीरोस फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा, पॉलिनोमियल में जीरोस होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए एक्स के जो आंसर है या वैल्यू है उसको जीरोस बोलते हैं। और इसके रिलेशनशिप को, जीरोस के और उसके कोफिशियंट के रिलेशनशिप को हम लोग को वेरीफाई करके बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 6x² - 7x - 3 ये हो जाएगा। इसका कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, x² + bx + c से। तो यहाँ पे देखिए, a इक्वल टू आ जाएगा 6, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -3। और इसका रूल क्या होता है इसका फैक्टराइजेशन का, कि a इंटू सी जो है, a इंटू सी इक्वल टू 6 - -3 इक्वल टू -18। तो b को ऐसा फैक्टराइज करना है कि सम करें तो -7 आए और मल्टीप्लाई करें तो -18 आए। तो b क्या है, -7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -7 + 2। तो इसको सम करेंगे तो -7 आएगा और फैक्टराइज मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। तो यह 6x² - 9x + 2x - 3। तो यहाँ पे 3x का कॉमन आ गया, तो हो जाएगा 2x - 3 + 1, यहाँ पे 2x - 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 3 कॉमन आ गया और यहाँ पे 3x + 1। अब इसका एक जीरो जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3 = 0, सो दैट 2x = 3, सो दैट x = 3/2। अब दूसरा जो जीरोस हो जाएगा वो होगा 3x + 1 = 0, सो दैट 3x = -1, सो दैट x = -1/3। अब इसके दो जीरोस आ गए, जीरो को अल्फा बीटा से डिनोट करें तो अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -1/3। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम लोग को बोलता है कि हम लोगों को वेरीफाई करना है ना, रिलेशनशिप को जीरोस का उनके कोफिशियंट के साथ। तो हम लोग को मालूम है सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अल्फा क्या है 3/2 और बीटा क्या है +-1/3। तो 3/2 - 1/3, तो इसका आंसर 6 है, एलसीएम 6 है, सॉरी 2 3 6, तो 3 × 3 - 2 = 9 - 2/6 = 7/6। इसका वैल्यू 7/6 आ रहा है ना। तो ये अब बी माइनस बी बाई ए करके देखते हैं, इसमें माइनस बी का वैल्यू कितना है। तो आगे जाके देखेंगे आप, यहाँ पे बी का वैल्यू -7 है, तो इसमें -7 डाल देंगे। डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 से डाल देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया -(-+)7/6। तो हैंस वेरीफाई, ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। अब दूसरा जो है इसमें वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा सी बाई ए। तो इसमें अल्फा बीटा क्या है, अल्फा है, यहाँ पे देखिए अल्फा क्या है 3/2 और बीटा -1/3। तो 3/2 × -1/3, तो 3 3 कैंसिल हो गया इक्वल टू -1/2, इसका वैल्यू -1/2 आ गया। अब इसमें सी बाई ए, तो यहाँ पे देखिए कोफिशियंट सी क्या है, कोफिशियंट सी है -3 है ना, तो -3 और ए का वैल्यू क्या है 6, तो सी बाई ए में -3/6 हो जाएगा। तो 3 × 3 = 6 = -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया, तो हेंस इट इज वेरीफाइड। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।